गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है तीसरा दिन हमारे ट्रिप का और अभी हम हैं लंडोर में जो कि मसूरी के पास है। टाइम हो चुका है 7:56, 8 बजने वाले हैं और सुबह से ही बारिश हो रही है यहाँ। और ये हमारा होटल है मसूरी हाइक्स नाम से लंडोर में, और हमने डिसाइड किया है कि हम जा रहे हैं अभी लाल टिब्बा जो कि यहाँ से 1 किलोमीटर के आसपास है। तो हम अभी निकल चुके हैं लाल टिब्बा के लिए। ये जो आप नीचे सीनरी देख पा रहे होंगे ये है पूरा देहरादून शहर नज़र आ रहा है यहाँ से। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा बना हुआ है और ये रोड सीधी जा रही है मसूरी माल रोड की तरफ जो कि कल शाम को जाके आए थे हम। काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा था वहाँ का भी। यहाँ से लेफ्ट जाएगा मसूरी के लिए और हमें जाना है यहाँ से स्ट्रेट जो दो बंदे खड़े हैं वहाँ से लंडोर के लिए। चलो हाँ जी, हाँ एक बंदा हो रहा है। जो ये दो बंदे आगे खड़े थे इनमें से एक को बैठा लिया साथ में, लोकल ही है यहाँ का। इसे भी वहीं जाना है और ये फिर रास्ता ही बता देगा आगे का। अच्छा वही है ना, मौसम साफ है अभी तो इसी चक्कर में वहाँ चलो बारिश में जाते कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ चार दुकान है। चार दुकान। अच्छा जी। अब यहाँ से आप जाएंगे गाड़ी में 5-7 मिनट का रास्ता है। अच्छा 1.5 किलोमीटर। अच्छा इसी रोड का आगे जाके लाल लाल टिब्बा है, बहुत बड़ा बॉक। अच्छा अच्छा वहाँ पे पैनोरामिक बने हुए, हिमालय के व्यू बने हुए। अच्छा लाल टिब्बा। चलो चलो ठीक है जी, थैंक यू। तो ये है चार दुकान जो बता रहे थे अंकल। चलो ये डिफेंस एरिया है यहाँ का। आ चुका है शायद लाल टिब्बा की जगह। बाइक्स वगैरह कहाँ लगेगी? बाइक आगे और भी है रास्ता कहीं जाने का? ये नीचे उतर रहा है। अच्छा नीचे उतर रहा है, आपको कहाँ जाना है? यहीं आना था लाल टिब्बा ही। आप तो यहीं कहीं भी खड़ी करो। चलो ठीक है, थैंक यू। वही ये है लाल टिब्बा। तो भाई ये एक प्राइवेट कैफ़े है लाल टिब्बा कैफ़े नाम से, और इन्होंने एक व्यू पॉइंट बना रखा है ऊपर। 50 रुपये फीस है यहाँ की। अभी मौसम साफ़ नहीं है तो हम जा नहीं रहे ऊपर। भाई ओवरऑल जगह काफ़ी बढ़िया लगी हमें। यहाँ आने के लिए जो सबसे अच्छा टाइम रहेगा वो है फेब और मार्च का महीना, जब मौसम साफ़ रहता है बिल्कुल और लाल कलर की स्काईलाइन नज़र आएगी उस टाइम पे। और केदारनाथ बद्रीनाथ जैसी और भी कई सारी पीक्स नज़र आती हैं यहाँ से, मतलब लोकल्स का तो यही कहना है। और बाकी दोबारा उस टाइम पे आएंगे तो तब देखेंगे, लेकिन इस टाइम बारिश के मौसम में भी अपना अलग ही मजा है इस जगह का। काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं लंडोर को हम। Okay.
try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. अभी 5-7 मिनट के ब्रेक के बाद कुछ फ़ोटोज़ और रील्स वगैरह बना के हम निकल चुके अपना वापसी चार दुकान की तरफ, जो कि यहाँ से 5 मिनट का रास्ता भी नहीं है आई थिंक। वहाँ की एक हनी जिंजर लेमन टी काफ़ी फेमस है, तो वो ट्राई करेंगे वहाँ जाके। तो ये है भाई लंडोर की फेमस चार दुकान नाम की जगह। दुकानें आपको यहाँ 4 से ज़्यादा नज़र आ रही होंगी नो डाउट, बट नाम इसका चार दुकान ही है। और माहौल काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, काफ़ी बढ़िया जगह है। तो भाई खाना हो चुका है यहाँ चार दुकान पे, और ये नज़ारे देखिए यहाँ से मसूरी शहर के। तो भाई जैसा आप सभी को पता है आज 15 अगस्त है, तो यहाँ चार दुकान में भी जो इंडिपेंडेंस डे है उसको सेलिब्रेट कर रहे थे लोग। SBI बैंक के जो कर्मचारी हैं वहाँ पे, उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया था, और जितने भी टूरिस्ट या फिर लोकल वहाँ बैठे थे चार दुकान में, तो उनको मिठाई भी खिलाई थी इस उपलक्ष्य में। तो जो माहौल बना हुआ था वहाँ का, मतलब अलग ही था बिल्कुल, मतलब बहुत ही बढ़िया लगा हमें यहाँ अपना, मतलब 10 मिनट रुक के जो हमने टाइम स्पेंड किया है, काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी आप सभी से किसी और ट्रिप पे। जय हिंद।